हेलो एंड वेलकम टू टीवी का पटाखा। दोस्तों, बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद साजिद खान की मुश्किलें अब बढ़ रही हैं। बॉलीवुड की जानी मानी हसीना ने साजिद खान के ऊपर बड़े ही संगीन आरोप लगाए हैं और उनको कुछ ऐसा बोल दिया है जिसके बाद एक बार फिर से बहुत ज्यादा सुर्खियों में आ गए हैं साजिद खान। दोस्तों, आपको बता दें कि साजिद खान के ऊपर हैशटैग मीटू मूवमेंट के दौरान काफी ज्यादा सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस लगे थे, जिसके बाद IFTDA यानी कि इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर एसोसिएशन ने लगा दिया था साजिद खान के ऊपर किसी भी फिल्म को डायरेक्ट करने पर बैन। जी हाँ, हालांकि ये बैन 2019 में हट गया था, लेकिन बावजूद इसके साजिद खान की इमेज इस वजह से इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उनके साथ कोई भी काम करना पसंद नहीं कर रहा था और ना ही उन्होंने लंबे समय से किसी भी फिल्म को डायरेक्ट किया। लेकिन बिग बॉस के 16वें सीजन में साजिद खान नजर आए, जिस वजह से उन्हें लगा कि शायद बिग बॉस के घर के अंदर जाकर उनकी इमेज थोड़ी सुधरेगी और एक फिर से एज अ डायरेक्टर उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगेगी। लेकिन दोस्तों, जैसे ही साजिद खान बिग बॉस के घर के बाहर आए, उनकी मुसीबतों ने उन्हें वापस से घेर लिया और हाल ही में इंडिया की बड़ी ही टैलेंटेड एक्ट्रेस, बॉलीवुड एक्ट्रेस मिनीषा लांबा ने बहुत कुछ बोला है साजिद खान के बारे में, जो इस वक्त बहुत ज्यादा सुर्खियों में ला चुका है साजिद खान को। दोस्तों, मिनीषा लांबा से जब मीडिया ने पूछा कि लगातार साजिद खान को लेकर जो मीटू रिएक्शन आ रहे हैं उस पर आप क्या कहेंगी, दोस्तों इसी सवाल पर पहले तो मीटू मूवमेंट पर अपने जवाब देती हुई नजर आई मिनीषा लांबा। उन्होंने कहा, द मीटू मूवमेंट इज एंड हैज बीन सो इम्पोर्टेंट इन चेंजिंग द कॉन्वर्जेशन अराउंड द वर्ल्ड अबाउट वुमेन। It was just a revolution that was on the brink, that was waiting to happen. It just needed that one boiling point, that one catastrophe to change the world, and that is what revolution are all about. लेकिन दोस्तों, यहाँ पे जहाँ मिनीषा लांबा ने बताया कि Me Too movement एक revolution था, वो बस एक boiling point, एक उफान का वेट कर रहा था कि कभी एक आग भड़के, चिंगारी लगे और हर तरफ से एक रिवॉल्यूशन होने लगा। औरतों ने अपने बारे में, अपने साथ हो रहे बुरे व्यवहार के बारे में बताया, तो उसी के बाद उन्होंने साजिद खान के ऊपर काफी ज्यादा एक अजीब टिप्पणी दी। उन्होंने कहा, रिगार्डिंग द क्रिएचर यू आर टॉकिंग अबाउट, द लेस अबाउट द पर्सन द बेटर। यानी कि, और जो आप उस क्रिएचर के बारे में बात कर रहे थे, बेहतर होगा कि उस बारे में हम जितना कम बात करें। यानी कि साफ तौर से यहाँ मिनीषा लांबा ने अपनी नफरत साजिद खान के लिए व्यक्त कर ही दी है कि उन्हें कितना ज्यादा गुस्सा आ रहा है साजिद खान के ऊपर। दोस्तों, क्या कहेंगे आप, हमें अपने व्यूज कमेंट करके आप जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें।